सदा भवानी दाहिनी गौरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। अरे चाचा, यह इतने लोगों की भीड़ बड़े उत्साह के साथ कहां जा रही है? बेटा उदल, तुमको मालूम नहीं है, ये लोग अपने परिवार सहित हरिद्वार जा रहे हैं। इतने पावन पर्व में भला किसका मन नहीं करता गंगा नहाने का। लगा महीना आन जेठ का और दशहरा पहुंचा आन, पर भी पड़ गई हरिद्वार में दुनिया करन चली स्नान। मैं भी जाऊं हरिद्वार को चाचा मेरे तलन सीराज, बड़ा पर्व है हरिद्वार का ऐसा वक्त मिलेगा ना। हाँ चाचा, तुम ठीक कह रहे हो। चाचा क्यों ना मैं भी गंगा स्नान कराऊं और इस भव्य मेले का आनंद लो। बेटा जैसी तेरी मर्जी, पर हाँ जाकर अपने बड़े भैया आल्हा से तो पूछ ले। अच्छा चाचा, मैं अभी जाता हूँ। इस पर जवाब दिया ताला ने, मैं उदल की ले बलाए, मांग इजाजत मंडली किसे बेशक गंग नहाओ जाए। इतनी सुनकर उदल चल पड़ा और बंगले में पहुंचा जाए, हाथ जोड़ करके आल्हा से नर उदल ने कहा सुनाए, हाथ जोड़ करके आल्हा से नर उदल ने कहा सुनाए। दशहरे की पर्वी है दुनिया गंग नहाने जाए, देव इजाजत नर उदल को मैं भी जाऊं गंग नहाए। इस पर जवाब दिया आल्हा ने, उदल मत मारी करता नाम न ली जो तू गंगा का, मत जाने का करे विचार। जय भवानी की भ्राता श्री। जय माँ भवानी की। क्या बात है उदल, आज बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हो। हाँ भैया, सब लोग गंगा जी दशहरा मनाने जा रहे हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी हरिद्वार। क्या तुम्हारी मति मारी गई है? गंगा स्नान की बात भी मत करना, वहां एक से एक वीर बड़े बड़े राजा आए होंगे, 9 लाख घोड़ों के साथ पृथ्वीराज भी वहां होगा। बामनगढ़ से वैसे भी हमारा पुराना पैर चल रहा है, मैं तुम्हें वहां जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं दे सकता। देश देश के राजा आवे आवे बड़े बड़े बलवान, 9 लाख घोड़ों के दंगल से पहुंचे पृथ्वीराज चौहान। बामनगढ़ से बैर हमारा उदल सुन लो कान लगाए, जो कहीं बिगड़ जाए गंगा पर फिर कुछ रहे ठिकाना ना। जो कहीं बिगड़ जाए गंगा पर फिर कुछ रहे ठिकाना ना।
इतनी सुनकर उदल जल गया, लग गई आग बदन में जाए। घर जा बेटा जस राज का और आल्हा से कहा सुनाए। मैं नहीं डरता हूँ लड़ने से, हमको खौफ किसी का नाय। कौन सूरमा बामनगढ़ में जो उदल से बैर लगाए। आप इसकी चिंता ना करें भैया, आप तो मुझे बस इजाजत दे दीजिए, भला उदल को कौन नहीं जानता। ठीक है, जाओ गंगा स्नान करो और दशहरा मनाओ। हे माँ गंगे, हे माँ शारदे, मेरे भाई की रक्षा करना माँ, मेरे भाई की रक्षा करना। नहीं बेटा, आज्ञा दे दी मंडली किने, उदल बहुत खुशी हो जाए। हुकुम सुनाया सरदारों को, नर उदल ने कहा सुना। जितना लश्कर नर उदल का, एकदम कमर बंद हो जाए। भाई तैयारी हरिद्वार की, उदल गंग नहाने जाए। भाई तैयारी हरिद्वार की, उदल गंग नहाने जाए। पाए कर सजे सूरमा, सबने बांध लिए हथियार। पैदल पलटन और रिसाले, सब साजे हैं छड़ी बरदार। जब यह जान लिया इंदल ने, चाचा गंग नहाने जाए। चाचा चाचा को ललकारा, कहने लगा इंदल सीराए। संग चलूं गंगा को, मुझ भी ले चलो संग लेवाए। ना करो दो हरिद्वार में, चाचा मेरे उदय चंद्राज। इस पर जवाब दिया उदल ने, मैं इंदल की ले बलाए। ले आज्ञा तू आल्हा से, बिना हुक्म के तू ना जाए। ले आज्ञा तू आल्हा से, बिना हुक्म के तू ना जाए। प्रणाम चाचा श्री। चाचा श्री, हम भी आपके साथ हरिद्वार गंगा स्नान के लिए जाएंगे। नहीं बेटा, मैं तुम्हें अपने संग नहीं ले जाऊंगा। पहले अपने पिता से आज्ञा ले आ, फिर मैं तुम्हें ले चलूंगा। इतनी सुनकर इंदल चल पड़ा और आल्हा पर पहुंचा जाए। हाथ जोड़कर अरज गुजारी, चरणों में दिया शीत नवाज। जेठ दशहरे की पर भी है, चाचा गंग नहाने जाए। मैं भी संग जाऊं चाचा के, अब तुम हुकुम देव फरमाए। नहीं बेटा, तुम वहां मत जाओ, वहां बहुत खतरा है। नहीं पिताश्री, चाचा जी के साथ मैं गंगा स्नान के लिए जरूर जाऊंगा, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, जाओ तैयार हो जाओ, अपने चाचा का साथ मत छोड़ना। अच्छा पिताजी, आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूं। इस पर जवाब दिया आल्हा ने, बेटा मेरे इंदल सीराए। नाम नली जो तू जाने का, तुझको आगे देऊं बताए। कठिन मवासे हैं गंगा के, वहां पर खैर रहेगी नाच। दूर दूर के राजा आवे आवे, बड़े बड़े सरदार। दूर दूर के राजा आवे आवे, बड़े बड़े सरदार। बसे हैं
दुश्मन अपना कोई समीपी ना आए, जो कहीं बिगड़ जाए गंगा पर फिर कुछ रहे ठिकाना ना। जब यह बात सुनी इंदल ने गुस्सा भरा बदन में जा, मैं संग जाऊंगा चाचा के खटका किसी बात का ना आए। लाख दुहाई नारायण की, कसमें महादेव की खाए, या तो जाऊं गंगा जी को और नहीं दूंगा प्राण गवा। राजहट तिरिया हट, जोगी हट और बालक हट, बुरी बलाए बहुत सा समझाया आला ने, अब हट पड़ा इंदल सीराय। बहुत सा समझाया आला ने, अब हट पड़ा इंदल सीराय। रात और दिन की दौड़ धूप में गंगा जी पर पहुँचे जाए, करो तैयारी अब नहाने की, ऐसा वक्त मिलेगा ना। यह मन मान गई ढेवा के और हृदय में गई समाए, ढेवा इंदल और उदय चंद बैठे एक नाव में जाए। प्रजा सभी नहा रहे, लक्की मेला पड़ा दिखाए, पास परब है हरिद्वार का, अब क्यों रखी है देर लगा। यह मन मान गई सखियों के और हृदय में गई समाए, कोई थारी ले कोई लोटा ले, नागर मोथा रही उठाए, कोई थारी ले कोई लोटा ले, नागर मोथा रही लगाए। सब सामग्री ले नहाने की, डेरों से दिया कुछ कराए, पास बुलाकर हंस भाई को प्रेमा कहन लगी समझाए। मैं तो जाऊं स्नान करन को, तू डेरों में रहे होशियार, चौकस रहना तू डेरों में, मत कहीं धोखा जाना खाए। अरे ये सखियों चलो, आज पर्व पड़ी है, गंगा नहाने चलते हैं। हाँ हाँ चलो चलते हैं। हंसा भाई सुनो तो। जी राजकुमारी जी। तुम डेरों के तकवारी पर रहना, हम सब गंगा नहाने जा रही हैं। सखियों को संग लेकर वह गंगा पर पहुंची जाए, प्रेमा बैठ गई चौकी पर, सखियां मल मल रही नहाए, कोई कमर कोई भुजबल मल रही, नहावे और नहलाती जाए, कोई पिड़ली कोई जांग मल रही, कोई छाती पर फेरे हाथ, कोई पिड़ली कोई जांग मल रही, कोई छाती पर फेरे हाथ। लोटे भर भर गंगा जल के कोई प्रेमा पर रही झुकाए, मसक मसक प्रेमा नहलाया, नागर मोथा रही लगाए। एक तो बेटी है राजा की, दूसरे रूप दिया करता, तीसरे रानी भरी जवानी, चौथे सोलह किए सिंगार।
घर के सखियों का कुंवारी गोते रही लगाए, नजर घूम गई है प्रेमा की सामने किस्ती पड़ी दिखाए। सूरत देखी जब इंदल की मन में इंदल गया समाए, उतर नाव से इंदल उदल ढेवा वहीं पर पहुँचे जाए, उतर नाव से इंदल उदल ढेवा वहीं पर पहुँचे जाए। सखियां सब प्रेमा की और प्रेमा से कहा सुनाए, जितना जादू बलख बुखारे इतना और देश में नाच, तेरी विद्या को हम जाने तुम पर हमसे अधिक सिवाय, फिर क्यों घबरावे तू मन में क्यों ना विद्या दे चलाए। क्या बात है, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। हाँ, जब से मैंने उसे देखा है उसने मेरा मन मोह लिया है। तो तुम उसे अपने बस में क्यों नहीं कर लेती? मैं सोच रही हूँ कि अपने मायावी विद्या से उसे वश में कर लूं। यूं समझा करके प्रेमा को वह डेरों में पहुंची जाए, आठों बैठ गई हैं संग में मन में करती सोच विचार। सखी सुंदरी पास बुलाई और प्रेमा ने कहा सुनाए, विद्या देवी को बुलवाओ अब कुछ काम देर का नाय, विद्या देवी को बुलवाओ अब कुछ काम देर का नाय। ठप्पा राग भैर भी कालंगड़े कठाट बनाए, राग रागनी कोई सुनता और कोई नाच देख मस्तार, कोई कोई देख रहा प्रेमा को मन में कामन गई समाज, यह गत हो गई चौहानों की अपना आपा दिया भुलाए। भारी भीड़ वहाँ पर हो गई जिसका पार पार कुछ ना आए, नहाना खाना सभी छोड़कर और डेरों में पहुँचे आए। जिक्र हो रहा वहाँ मेले में नटनी सबको रही रिझाए, जब यह देखा नर उदल ने दुनिया भगी कहाँ को जाए, जब यह देखा नर उदल ने दुनिया भगी कहाँ को जाए। हाय राम, मेरा तो दिल ही लूट गया। कौन है ये, कहाँ से आया है, कितना भोला है, कितना सुंदर है, ऐसा लगता है अपनी बाहों में जकड़ लूं। भारी खुशी हुई प्रेमा को जब इंदल पर पड़ी निगाह, जाते देखा जब तीनों को प्रेमा बंद नाच करवाए, बोली प्रेमा उन सखियों से बहना सुन लो कान लगाए, जो कहीं ओझल हुआ नजर से मैं ढूंढो फिर मेले जाए। मंगा कर
फिर उदल ने तीनों उस पर हुए सवार। नाव में बैठे तीनों छत्री देख रहे गंगा की धार। नाच बंद करके प्रेमा ने चल दी गंग के तट में जाए। नाव मंगा ली है प्रेमा ने सखियों के संग बैठी जाए। नाव मंगा ली है प्रेमा ने सखियों के संग बैठी जाए। समझाया है मल्लाह को बीच धार में चलो लेवाय। यह मन मान गई मल्लाह के और हृदय में गई समाज। सहज सहज नैया को खेकर बीच धार में पहुंचा जाए। आगे नाव चले उदल की पीछे प्रेमा रही दबाय। प्रेमा अब मल्लाह से मल्लाह सुन ले कान लगा। ये जो नाव चले है आगे ये है कौन देत बतला। बैठी तिरिया इस गोड़े में हमको सोच रहा है नाय। कौन देश के रहने वाले मालूम हो तो दो बतलाए। कौन देश के रहने वाले मालूम हो तो दो बतलाए। जोड़कर मल्लाह बोला और प्रेमा से कहा सुनाए। रहने वाले गढ़ महवे के ये हैं वीर बना बलराज। भेबा उदल है नैया में तीसरा इंदल राजकुमार। यह बेटा है नर आल्हा का जो है मंडली के अवतार। भारी राजा है महवे का इनकी कोई बराबर नाय। बड़े सूरमा यह छत्री है जो मरने से डरते नाय। उदल चाचा है लड़के का संग जो अपने लाया लेवाय। पारस पथरी है महवे में जहाँ पर कभी माल की नाय। पारस पथरी है महवे में जहाँ पर कमी माल की नाय। यह मन मान गई प्रेमा के और हृदय में गई समाय। पढ़कर मंत्र अब प्रेमा ने नर उदल पर दिया चला। एक मंत्र आकाश में मारा उस दम गई अंधेरी छाय। ऐसी अंधेरी हुई अचानक हाथ को हाथ दिखता नाय। देवा भैया ये क्या हो रहा है? ये अचानक आंधियां क्यों चल रही हैं? अरे अंधेरा हो गया, कुछ भी नजर नहीं आता। इंदल 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 तुम कहाँ हो? कहाँ हो बेटे, बोलते क्यों नहीं? मंत दूसरा प्रेमा मारे इंदल तोता दिया बनाए। किस्ती फेर दई मल्लाहन नाव किनारे तई लगाए। विद्या खींच लई प्रेमा ने तुरत अंधेरी दी मिटवाए। हुआ उजाला मिटा अंधेरा पल में हवा बंद हो जाए। हुआ उजाला मिटा अंधेरा पल में हवा बंद हो जाए।
उधर को उदल देखे इंदल कहीं दिखता ना आए। भारी फिकर हुआ उदल को तब ढेवा से कहा सुनार, जुलुम गुजर गए परलो हो गई अब कुछ रहा ठिकाना ना। क्या कहीं उड़ गया आसमान को या गंगा में गया समाय। उदल भैया, इंदल कहीं नाव से उतरकर डेरों में तो नहीं चला गया? चलो डेरों में चलकर देखते हैं। क्या बताऊं भैया, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं, चलो डेरों की ओर चलते हैं। कहते कहते नर उदल के आंसू गए आंख में आए। बहुत से जतन करे उदल ने पर कुछ पार बसाई ना। ढेवा ढेवा को ललकारा कहने लगा उदय चंद्राय, एक मन में तो ऐसी आबे गंगा में दऊ प्राण गवाय। एक मन में तो ऐसी आबे गंगा में दऊ प्राण गवाय। कहीं उतर इंदल नौका से डेरा तो नहीं पहुंचा जाए, इसलिए चल डेरों में देखो भैया मेरे उदय चंद्राय। उदल ढेवा दोनों चल कर निज डेरों में पहुंचे जाए। माहिल बैठा वहां पर पाया पर नहीं मिला इंदल सीराय। इतनी सुनकर माहिल बोला बैठो सुनो उदय चंद्राय, यह क्या बात सुनाई तुमने कहाँ खो गया इंदल सीराय। जार जार कर उदल रोता जिसके आंसू थमते नाय, होश बिगड़ गए नर उदल के मुख से बोल निकलता नाय। होश बिगड़ गए नर उदल के मुख से बोल निकलता नाय। भांजी उदल, क्या बात है, आज तो चेहरे की सुर्खी उड़ी उड़ी लगती है, बड़े चिंतित लग रहे हो। क्या बताऊं माहिल मामा, ना जाने किसकी बुरी नजर हमारे इंदल को लग गई, मैं तो कहीं का नहीं रहा, कहीं का नहीं। भांजे ये क्या कह रहे हो, क्या हुआ इंदल को? उदल उदल को ललकारा कहने लगा महल यारा, चार के डेरे बाकी रह गए तुम उनमें भी लो ढोड़वाए। एक तो डेरा है माणो का कांशों का बाकी रह जाए, भेंट देने का वचन दिया था देवी ने लिया वचन कराए। पहला बेटा था मछला का मत कहीं उसको भेंट चढ़ाए, डेरा देखो तुम ज्वाला का बेटा सुनो बना फलराज। डेरा देखो पृथ्वी राज का देखा अभी वहां पर नाय, इंदल मिले इन्हीं डेरों में मेरी रहा समझ में आए। इंदल मिले इन्हीं डेरों में मेरी रहा समझ में आए। डेरा देखा पृथ्वी राज का बिल्कुल फिकर किया है नाय, डेरा दिखाया ज्वाला सिंह ने पर नहीं मिला इंदल सीराज। डेरा दिखा के खड़ा हो गया जिसका नाम कड़ंगा राज। इतनी सुनकर माहिल बोला उदल की मैं ले बलाय। क्यों
घबरावे अपने मन में, तुमको कौन पड़ी परवाह। मैं समझाऊंगा आल्हा को, तुम क्यों रहा सना का खाट। आंधी आई गंगा जी पर, वहां पर कुछ भी दिखा ना। इंदल खो गया उस आंधी में, आल्हा को दूंगा समझा। इंदल खो गया उस आंधी में, आल्हा को दूंगा समझाए। उदल भांजे तू ना घबरा, मैं आल्हा को सब समझा दूंगा। वह मेरी बातों को कभी नहीं काटेगा। कह दूंगा कि गंगा में ऐसा तूफान आया, ऐसा तूफान कि उसी में इंदल खो गया। और हाँ, तुम्हारे पहले आल्हा के पास मैं जाऊंगा। बोला माहिल बात बनाकर, नर उदल से कहा सुनाए। सबसे पहले मैं जाता हूँ, तुम पीछे से पहुँचो आज। पहले आगे मैं जाकर के सब आल्हा को तू समझाए। चल पड़ा माहिल अब गंगा से, मन में बात सोचता जाए। अब आया उदल काबू में, सारा बदला ले चुकाए। चलता जावे सोचता जावे, आला को दूंगा बहकाए। एड़ लगा दी है घोड़ी की, सरपट घोड़ी दी दौड़ाए। कोई घड़ी का अरसा गुजरा, वो महबे में पहुंचा जाए। कोई घड़ी का अरसा गुजरा, वो महबे में पहुंचा जाए। दरबार लगा आल्हा का, पहुंचा वहां महलिया राय। लड़का इंदल गया साथ में, मुझको चिंता रही सताए। इस पर जवाब दिया माहिल ने, बेटा मंडली के अवतार। हाल कहूं क्या हरिद्वार का, हमसे रूठ गया करतार। बात न पूछो तुम गंगा की, मुझको हाल कहा ना जाए। जुलम बीत गए परलो हो गई, ऐसा हुआ जगत में ना। जैसा जुलम किया उदल ने, कहते फटा कले जा जाए। उदल ढेवा दोनों जुलमी, दोनों ने लिया पाप कमाए। उदल ढेवा दोनों जुलमी, दोनों ने लिया पाप कमाए। नहाने गए थे वह गंगा पर, मैंने बहुत लिया समझाए। साथ में ले गए वह इंदल को, समझाने से समझे ना। बीच धार में बैठ नाव में, इंदल दिया जान से मार। हा हा खाते उस बालक का, उदल ने लिया शीश उतार। खामोश मामा, जुगल खोरी करता है। अभी तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूं। मक्कार, तूने चुगली करके ना जाने कितने परिवार, कितने राज्य बर्बाद कर दिए। मेरे सामने से हट जा, वरना तेरी खैर नहीं।
इतनी सुनकर आल्हा जल गया, लग गया बदन में जाए गर जा आल्हा जब ललकारा, दुश्मन तेरा बुरा हो जाए। खा खा चुगली तुमने मामा, कर दिए कई राज बर्बाद, चुगली घर को की करता है तुझको शरम आब दीना, चुगली घर को की करता है तुझको शरम आब दीना। हट जा मेरे आगे से अपनी ले जा जान बचाए, नहीं मार के तुझ पापी को धड़ से दूंगा शीश उड़ाए। इंदल पाला खुद उदल ने जिसको रहा तुम दोष लगाए, तू खोटी बानी ना बोले धड़ से दूंगा शीश उड़ाए। इस पर जवाब दिया माहिल ने, राजम होवे के सरदार, इंदर माल दिया उदल ने धड़ से दीना शीश उड़ाए। उदल और डेबा दोनों ने मिलकर दीना उसको मार, दो बेटे आल्हा के हो गए और उदल का एक भी नाश, दो बेटे आल्हा के हो गए और उदल का एक भी नाश। खातिर गंगा ले गए और लड़के को दिया खपाए, जो यह लड़के सियाने हो गए आधा लेंगे राज बटाए। काम था मेरा खबर सुनाना, मैंने दीन ही खबर सुनाए, तुम जानो और काम तुम्हारा, हमको कौन पड़ी परवाह। क्यों ढेबा आज खामोश चुपचाप खड़े हो? आज मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं अपने इंदल के बदले की आग में जल रहा हूं। मैं तुम्हें और उदल को नहीं छोड़ूंगा। जब यह बात सुनी आल्हा ने गुस्सा भरा बदन में जाए, ढेबा ढेबा को ललकारा, नंगी सूत लई तलवार। बात बनाता है अब मुझसे पापी तेरा बुरा हो जाए, काट के गर्दन मेरे बेटे की उस गंगा में दिया बहाए, काट के गर्दन मेरे बेटे की उस गंगा में दिया बहाए। अकेले इंदल के बदले में मैं उदल को छोड़ू ना, आज तुम्हारा मेरे बेटे को कल तो देगा मुझे मिटा। आज पता यह मुझको हो गया वह उदल है बुरी बला, भाई न है वह बैरी मेरे, मेरे बेटे को दिया खपाए। हल्का रहो, उदल को मेरे सामने पेश करो, वो जहाँ भी जिस भी हालत में मिले उसे मेरे सामने लेकर आओ, वो मेरा भाई नहीं खूनी है। मुंह क्या देखते हो, जाओ। La
बुलाओ बुलाकर उस पापी को, उसको जिंदा छोड़ू ना। हुक्म दे दिया हलकारों को, मंडलीक ने कहा सुना, जिस हालत में होए जहाँ पे तुम उदल को लाओ लुबाए। भाई नहीं है वह खूनी है मेरी नजर गुजारो लाल, भाई नहीं है वह खूनी है मेरी नजर गुजारो लाए। उजर करे आने में धड़ से देना शीश थोड़ा, मुस्क बांध कर उस पापी की उल्टे डंडे ले कसवाए। जब यह बात सुनी आल्हा की सारा कांप गया दरबार, दहशत गालिब थी आला की थे खामोश सभी सरदार। इतनी सुनकर हलकारों की हिम्मत जरा पड़ी है ना, डरते डरते मुस्क बांध ली उल्टे डंडे लिए कसवार। बांध के मुस्के नर उदल की अब ले चले हैं संग लुबाय, पकड़ के ले गए नर आला ढेग सनमुख पेश किया है जाय। पकड़ के ले गए नर आला ढेग सनमुख पेश किया है जाय, पकड़ के ले गए नर आला ढेग सनमुख पेश किया है जाय, पकड़ के ले गए नर आला ढेग सनमुख पेश किया है जाय, पकड़ के ले गए नर आला ढेग सनमुख पेश किया है जाय।